दिल्ली में आज भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा 5 स्टार रेटेड माइंस अवार्ड माइंस मंत्री जी कृष्ण रेड्डी द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए कई राज्यों के अधिकारी गण को नई दिल्ली में इंटरनेशनल अंबेडकर सेंटर से खबर जोगिंदर डोगरा। आदित्य लाइम स्टोन माइन राजस्थान को ये अवार्ड 5 स्टार रेटिंग का मंत्री महोदय की तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए, हर कोने से आनी चाहिए। इनका भी हौसला बढ़ेगा और हम सबके लिए भी ये खुशी की बात होगी। आदित्य लाइम स्टोन माइन राजस्थान अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। ये 5 स्टार रेटिंग का सम्मान प्राप्त करेगी। और आपको ये भी बता दूं कि सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड कंपनी जो इस माइन को ऑपरेट करती है वो सस्टेनेबल माइनिंग के साथ साथ सामुदायिक विकास के कम्युनिटी डेवलपमेंट के बहुत सारी एक्टिविटीज को भी वहां पर अपने सीएसआर एक्टिविटीज के अंतर्गत संचालित करते हैं ताकि जो स्थानीय समुदाय है उन्हें भी उसका पूरा लाभ मिले। और इस तरह से हम अपने बिजनेस के साथ साथ स्थानीय लोगों की बेहतरी के लिए, पर्यावरण के लिए, उनके विकास के लिए आपकी कर्तव्यभरी के साथ इनका यहाँ सम्मान माननीय मंत्री महोदय के कटकंडों से होगा। इस कंपनी ने भी अपने अडियाली लाइफ स्टोन माइन के गुजरात से हीट लेवल जो हाई क्वालिटी हाई रेटेड सेफ्टी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करते हुए भी इसका लाभ जो है कोशिशों के साथ साथ सीएसआर एक्टिविटीज और इनिशिएटिव्स बहुत सारे स्थानीय लोगों के हित के लिए लगातार ये प्रयास करते हैं। दहदारी आयरन और माइन निदेशक टीम यहाँ ये 5 स्टार रेटिंग का सम्मान ले रही है। आप सबकी कर्तव्यभरी कार्यों की आवाज जरूर बन सकता लगातार जो ये सम्मान मिला है 5 स्टार रेटिंग का 5 बार ये सम्मान को हासिल कर चुके हैं। और बहुत सारे अच्छे प्रयासों में आगे क्वालिफिकेशन साल जो है 5 स्टार रेटिंग प्राप्त कर चुकी है। लगातार 5 साल इन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया है। और आज हिडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड की टीम जो कि रायमंड पठारिया लाइमस्टोन माइंस मध्य प्रदेश ऑपरेट करके उन्हें यह सम्मान मिला है। बहुत सारी सीएसआर एक्टिविटीज के अंतर्गत भी कई एक्टिविटीज ये लगातार करते रहते हैं। बहुत बहुत बधाई इस टीम को। और अगला नाम अगली माइंस जो है वो गुजरात से है, वॉक टू लाइमस्टोन माइंस गुजरात श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड की टीम वापस करती है। आज ये 5 स्टार रेटिंग जो है उन्हें मिल रहा है। बॉक्साइट माइन महाराष्ट्र की टीम सम्मान यहाँ पर 5 स्टार
ब्रिटिश माइंस के सम्मान में उनका भी नाम है। ये माइंस जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो एक्सट्रैक्शन है वो करते हैं, और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप है उसका प्रदर्शन लेकिन माइंस के अंतर्गत यहाँ पर मंत्री महोदय के कर्तव्यों से सम्मानित किया जा रहा है। इनका सदैव ये प्रयास रहा है स्थानीय स्तर पर कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमम स्तर तक लेकर जाए, ग्रीन माइनिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें, एनर्जी एफिशिएंसी को, वाटर कंजर्वेशन को और इस तरह के रिसोर्सेज के ऑप्टिमाइजेशन को सुनिश्चित करने का प्रयास इस माइन। अरुण खरे लाइमस्टोन माइन गुजरात की टीम आपके सामने मंच पर है। आपकी कर्तव्य आपकी तालियों के साथ इनका भी यहाँ पर यह सम्मान हो रहा है। लोकल कम्युनिटीज के लिए, एनवायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे CSR इनिशिएटिव्स ये लगातार लेते रहते हैं और एक सस्टेनेबल और सिस्टमेटिक माइनिंग प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं। इसके बाद देखो सज्जनों, अगला नाम जोड़ा ईस्ट आयरन ऑर माइन ओडिशा टाटा स्टील लिमिटेड जो इसे ऑपरेट करती है, इस माइन की टीम को मंच पर हमने आमंत्रित किया है, जिन्हें 5-स्टार रेटिंग के अंतर्गत उन्हें ये सम्मान मंत्री महोदय के कर्तव्यों से प्रदान किया जा रहा है। कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए और इसके साथ साथ आपकी वो टीम यहाँ पर मंच पर है, आपकी तालियों के साथ उनका अभिनंदन होना चाहिए। जिस इंदौर नागरी सरकारन और लिमिटेड की टीम हुई है जो मंच पर है और अनेक बार जैसे मैंने बताया आपके बाद से भी अधिक समय अधिक बार ये 5-स्टार रेटिंग हासिल कर चुके हैं। अपने वॉइस को सपोर्ट करने के साथ साथ रेस्पॉन्स और जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सकता है उस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो इसे ऑपरेट करता है, इसे संचालित करता है, किरांदोल डिपॉजिट 14 MZ आयरन और माइन छत्तीसगढ़ की टीम, उन्हें यहाँ पर 5-स्टार रेटिंग का सम्मान मंत्री महोदय के कर्तव्यों से प्रदान किया जा रहा है। और छत करने के लिए मंच पर आ चुकी है दिव्य सज्जनों, पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ भी मंच पर है दिव्य सज्जनों। इस माइन ने भी अपने माइनिंग सेक्टर में बहुत सारे कीर्तिमान और बहुत सारे बेंचमार्क स्थापित किए और उनको फॉलो किया है और उन्हें यह सम्मान यहाँ पर मिला है। जिन्हें अवार्ड मिल चुका है वो प्लीज बैठे जाए, सभी लोग बैठ जाए, खड़े न हो, और जिन्हें सम्मान मंच पर दिया जा रहा है उनके लिए आपका प्रोत्साहन तालियों के रूप में जरूर आते रहनी चाहिए। देखा हाथ गुरु आयरन और माइन झारखंड की टीम जिन्होंने माइनिंग के साथ साथ अपने CSR एक्टिविटीज में भी बहुत सारे उल्लेखनीय प्रयास हमेशा किए हैं और उसके लिए भी उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और अब अगला नाम जो सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा वो तमिलनाडु से है। आप सभी बैठते जाएंगे, बीच में कोई खड़ा ना हो, फोटोग्राफ सबको बाद में मिलेगी, इसलिए प्लीज आप सभी बैठे। तमिलनाडु से लीला वेंकटेश्वरपुरम लाइमस्टोन माइन तमिलनाडु रामको सीमेंट्स लिमिटेड की टीम मंच पर है, उनके लिए भी आपकी तालियों की आवाज जरूर मंच तक आनी चाहिए। इन्होंने बड़े सारे अनूठे प्रयास अपने CSR एक्टिविटीज में किए हैं, इको पार्क बनाया है, अपने जो पिट्स है ग्रीन स्पेसेस है उनमें बहुत सारे ऐसे पिट्स बनाए हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं जो वेस्ट होता है उसको, और 4 लाख से भी ज्यादा प्लांट्स जो है उन्होंने लगाए हैं, पौधे लगाए हैं। तो इस तरह के बहुत ही अनूठे और महत्वपूर्ण प्रयास इन्होंने किए, मेरा अपडेट करता है। इस माइन की टीम जो है मंच पर है मंत्री महोदय के कर्तव्यों से सम्मान प्राप्त करने के लिए, जीरो वेस्ट माइनिंग इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और वाटर हार्वेस्टिंग ऐसे बहुत सारे प्रयास की लगातार करते रहते हैं। और जो फल वाले राजस्थान की टीम मंच पर है जो सम्मान प्राप्त करने जा रही है इस समय मंत्री महोदय के कर्तव्यों से,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो गोल्स है उनको हासिल करने में, इसके साथ साथ सीएसआर इनिशिएटिव्स जो स्थानीय स्तर पर इन्होंने लिए हैं उसमें इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी है, उसमें स्थानीय समुदायों का सहयोग और उन्हें हर तरह का समर्थन देने का प्रयास भी लगातार ये माइन और वहाँ का स्टाफ और वहाँ का माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए अपने जो बिजनेस गोल्स है वो तो हासिल करते ही है, लेकिन सीएसआर जो इनिशिएटिव्स है उसके अंतर्गत कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेकर भी लगातार कोशिशें जो है वो बिल्कुल लाइव स्टोर में भी बड़े प्रकृति बड़े घरों की बात हो सकती है, इन्हें भी माई होम लाइव स्टोर में जो मंच पर है स्वच्छ भारत अभियान में बहुत सारे इन्होंने प्रयास किए, कोशिशें की, मोबाइल फैसिलिटी के साथ एक क्लिनिक भी उन्होंने वहाँ पर उपलब्ध करवाया स्थानीय स्तर पर और इको फ्रेंडली माइनिंग को सुनिश्चित करने का भी प्रयास सदैव किया है। बहुत बहुत बधाई नाना कुड़िया सर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी, इस तरह की बहुत सारी कोशिशें नोवा खड़ी लाइट और अगले जो माइन की टीम आ रही है उन्हें भी 5 बार से भी ज्यादा 5 स्टार रेटेड माइन्स का सम्मान मिल चुका है। आयरन ऑफ माइन झारखंड टाटा स्टील लिमिटेड की टीम यहाँ मंच पर है आपके सामने। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांटेशन विद मियावाकी टेक्निक जो कि आजकल बहुत लोकप्रिय है, उस टेक्निक से प्लांटेशन का बहुत फायदा जो इस माइन को ऑपरेट करती है। मेघालय की टीम है आपके सामने, रोमाकाई लाइव स्टोर माइन मेघालय। इस माइन में भी स्थानीय स्तर पर लोगों की सेहत के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए या सिंचाई की सुविधाओं के लिए खेती में और तमाम तरह की सुविधाएं मिल सके इसके लिए भी सीएसआर एक्टिविटीज में लगातार प्रयास करते हैं। नोबाकाई लाइव स्टोर माइन मेघालय की टीम को बहुत बहुत बधाई। सभी समाधान इस तरह के बहुत सारे इन्होंने खर्च किए। रामपुर अगुचा लेड जिंक माइन और इसके बाद मध्य प्रदेश से राम राम मैग्नीज और माइन मध्य प्रदेश की टीम केपी त्रिवेदी सन्स उन्हें आमंत्रित करता हूं। इन्होंने अपने माइनिंग एरिया में 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया है ताकि ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल वो ज्यादा से ज्यादा करें और इसके साथ साथ जो जीरो वेस्ट माइनिंग है, पर्यावरण का संरक्षण है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आसपास के क्षेत्रों का, उनको सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास ये कंपनी करती है ये माइनिंग में।